अभी कुछ नहीं पता कि चांद नज़र आएगा या नहीं। कल ईद होती है या सैटरडे की, हाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए। ये मैंने अपने कपड़े रेडी कर लिए हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं यहाँ पर आज जो है 29वां रोज़ा है और अभी कुछ नहीं पता कि चांद नज़र आएगा या नहीं। कल ईद होती है या सैटरडे की, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ईद कब होगी। तो देखते हैं ईद कल होती है या परसों होती है। मेरा जो वोट है वो है सैटरडे का, बाकी देखते हैं। और यहाँ पर मैंने ये छोले की चाट बनाई हुई है और यहाँ पर ये मज़ेदार सी मैगी बनाई है। आज मैगी खाने का बहुत दिल है तो इसलिए आज मैंने ये मैगी बना ली है। और बाकी की इफ्तारी सारी जो भी होगी वो बाहर से आएगी, मैं घर में नहीं बना रही हूँ। मैंने जस्ट फ्रूट कटिंग किया है और अब देखें कि हस्बैंड क्या लेकर आते हैं इफ्तारी के लिए, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और इफ्तार के बाद ना कहीं जाना है। तो कहाँ जाना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। जहाँ मुझे जाना है वहाँ के लिए ये मैंने अपने कपड़े रेडी कर लिए हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, अचलिना अपना पर्स भी हैंग करके गई हैं कि मम्मा मैं ये लेके जाऊँगी, उसमें चीज़ भी है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और दिखाती हूँ बच्चों के कपड़े। ये स्कर्ट्स हैं इन लोगों के, दोनों बहनों के एक जैसे स्कर्ट्स हैं और एक जैसे ही मैं कपड़े लाती हूँ इन लोगों के। और ये इनकी शर्ट्स हैं, दोनों की सेम है, बस साइज़ का फ़र्क होता है। बाकी दोनों का मैं सेम ड्रेस ही लेती हूँ ताकि दोनों लड़ाई ना करें। देखिए कैसा लग रहा है ड्रेस, मुझे बताइएगा। और अब मैं दिखाती हूँ मेरा ड्रेस, आप लोगों को पता नहीं समझ आएगा या नहीं लेकिन मैं दिखाती हूँ। ये फ्रॉक है इस तरह से और स्लीव लेस है, इसके स्लीव्स नहीं हैं। और ये देखें, मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनती, अल्लाह ना करे, मैं हाफ़ स्लीव्स भी नहीं पहनती हूँ, फुल स्लीव्स ही पहनती हूँ या क्वार्टर होती हैं। ये इस तरह से है और इसके ऊपर जो है ये ऐसे, ये कोटी है। मैं इसको सेट करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे तो कभी भी समझ में नहीं आएगी आप लोगों के, रुक जाए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से ना कोटी है इसके ऊपर की ना छोटी सी। अब आप लोगों को समझ में आई हो क्या आ गया होगा। तो ये इसके ऊपर लेस लगी हुई है और इस तरह से ये मेरे हाथों से ना पानी लग गया कपड़ों के ऊपर गीला गीला। और ये इसकी कॉलर है और यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है इस तरह से, ये बना हुआ है मेरा ड्रेस। आ गए हैं, मेहंदी लगवाने गए हुए थे अपनी टीचर के पास। मम्मा ये ऐसा कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेहंदी, दिखाएं। अब मैंने बच्चों की एडवांस में ही मेहंदी लगवा दी है, अब पता नहीं कि चांद रात है आज या कल है। तो दिखाएं ऊपर करें हाथ। और ये है अंशरा की मेहंदी, थोड़ी सी हटी हुई है और देखें कितनी प्यारी लग रही है अंशरा की। अंशरा भी लगवा कर आई है अभी टीचर से। बाकी हम लोग जा रहे हैं तो तैयार होके उसके बाद मिलते हैं। आ गया हमारा फालसे का शरबत और ये बची हुई मेहंदी है। फालसे का शरबत आ गया है, ये चाट है छोलों की चाट है, ये दही बड़े हैं पता नहीं क्या है। और ये क्या है निकाल के देखते हैं क्या है। मैंने बोल मम्मा ने। और ये हमारी अशलीना का फेवरेट आ गया गोलगप्पे। तो चलें ये सब सामान मैं निकाल लेती हूँ और बाकी का उसके बाद हम दिखाते हैं। Thank you.
पूरा डालें। इरज के लिए मैंने मोबाइल उठाया था कि इरज की वीडियो बनाऊंगी। इतना प्यारा सूट पहनी हुई है इरज। बंद कर लो आंटी।